चिकन तो आपने बहुत से तरीकों से बनाया होगा, लेकिन अगर इस तरीके से बनाकर देखेंगे, यकीन माने लोग सालों याद रखेंगे। जो भी खाएगा वो इसका जायका कभी भूल नहीं पाएगा। चिकन जिंजर की ये बहुत ही ऑथेंटिक और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम्स चिकन और इसको मैंने छोटी क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था और वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसके बाद मैंने लिए हैं 4 अदद टमाटर। हर टमाटर के मैंने 4 टुकड़े कर लिए थे और इनको मैंने भी इस चिकन में साथ ही शामिल कर देना है। और इसके बाद जी मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक। इस रेसिपी में अदरक ज़्यादा जाएगा और ये जो सबसे बड़े वाला स्पून होता है राइस खाने वाला, ये मैंने वो शामिल किया है। और इसके बाद जी मैंने इसको बस थोड़ा सा सेंटर में कर दिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन। 3 जवे लहसुन को मैंने कूट लिया था और इसको मैंने शामिल कर दिया है। ये सबसे छोटे वाला जो स्पून है ना, टीस्पून, वो शामिल किया है। अदरक ज़्यादा जाएगा तो इससे फ्लेवर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आने वाला है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कवर करके रख देना है, या जब तक पानी नहीं छोड़ देता तब तक हमने इसको कवर करके कुक करना है। 5 से 6 मिनट के बाद इसने अपना पानी काफ़ी रिड्यूस कर दिया था, चिकन का भी पानी और टमाटरों का भी पानी। अब जैसे ही मैं इसको मिक्स करूँगी, टमाटर भी इसमें मैश हो जाएंगे और चिकन भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर भी बहुत सॉफ्ट हैं और यहाँ पे आप इसका पानी जो रिड्यूस हो चुका है उसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है टमाटरों की वजह से। अब जैसे ही यहाँ पे चिकन और टमाटरों का पानी रिड्यूस हुआ है, अब वो ड्राई होने की तरफ जा रहा है। अब इस पॉइंट पर मैं स्पाइस शामिल करूँगी, नमक ऐड करूँगी हसबे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करूँगी 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की है और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करूंगी और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला शामिल किया है और 1/4 टीस्पून के बराबर ही मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है। जैसे कि आजकल चाइनीज सॉल्ट आसानी से अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है। रेस्टोरेंट स्टाइल में चाइनीज सॉल्ट ही ऐड होता है। इसके बाद जी मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें कुटी हुई, और इसमें 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली और इसको मैंने अच्छे से कूट लिया था और इसमें शामिल कर दिया है। देन मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं अब पानी मसालों के साथ ही ड्राई हो गया है। इन मसालों को एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करना, बस ये देख रहे हैं जैसे इनमें नमी बाकी है। और इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब घी, और इस रेसिपी में घी ऐड होता है। और अगर आप ऑयल शामिल करना चाहें तो ऑयल ऐड कर दें, लेकिन घी में अगर ये पकाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी पकता है। अब घी के साथ मैं इसको 1-2 मिनट के लिए कुक करूँगी और मसालों का टेक्स्चर बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और इसी पॉइंट पे घी ऐड करना है, हमने स्टार्टिंग में घी ऐड बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पर जी इसकी थोड़ी सी मैं भुनाई कर दूँगी। कुकिंग स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है और बिल्कुल ऑथेंटिक है चिकन जिंजर बनाने के लिए। मसालों की घी के साथ अच्छे से भुनाई हो चुकी है, अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून दही शामिल करूंगी, और दही को फेंटे बगैर शामिल करना है। दही को फेंटना बिल्कुल नहीं है, ये टेक्निक है चिकन जिंजर की। और इस पॉइंट पे जी इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। बहुत इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने लाइट सा इसको मिक्स करना है। दही को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून केचप के। सिंपल केचप ऐड कर दें या आप चिली गार्लिक केचप ऐड कर दें, इन दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। केचप ऐड करने के बाद लास्ट पे मैंने ऐड कर देना है काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। दही, केचप और काली मिर्च ये हमने लास्ट पे ही ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद हमने ज्यादा कुकिंग नहीं करनी, जस्ट हमने मिक्स करना है। मिक्सिंग के बाद इसमें 1/2 प्याली के करीब मैंने धनिया ऐड कर दिया है और इसमें जुलियन कट मैंने अदरक ऐड कर दिया है, क्योंकि ये हम चिकन जिंजर बना रहे हैं और इसलिए हमने अदरक वाली चिकन में अदरक मस्ट ऐड करना है जुलियन कट में। और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। और इसके बाद जी अब हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही डिफरेंट तरीके से कुक किया गया चिकन और बिल्कुल एकदम से डिफरेंट टेस्ट आपको खाने को मिलेगा, और इतना मज़े का ये टेस्ट होगा ना कि आप एक बार खाएंगे और आपका बार बार बनाने को दिल चाहेगा। और डिश आउट करने के बाद जी हरी मिर्चें, अदरक और धनिया के साथ इसको अच्छे से गार्निश करना है। इस रेसिपी से पहले तो आपने चिकन जिंजर तो खाया ही होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से बना कर खाएंगे बिल्ली
बिलीव मी आप इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही ये चिकन जिंजर बनके तैयार हो जाता है। एक बार तो इसको ट्राई करना बनता है, आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा और ये आपके स्पेशल मेन्यू में स्पेशल डिश के तौर पर शामिल हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।